हे एवरीवन, आप देख रहे हैं वीटेक और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या डिफरेंस है एक जेन्युइन विंडो में और एक पायरेटेड विंडो में। बात करेंगे इस वीडियो में। काफी सारे लोग पायरेट विंडो इसीलिए यूज करते हैं जिसका एक सिंपल रीजन है, वो है कॉस्ट यानी प्राइस। जो जेन्युइन विंडो है वो काफी महंगी आती है, उसकी कॉस्ट काफी हाई होती है, और जो पायरेट विंडो है वो बिल्कुल फ्री है। इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए डीवीडी में या फिर पेन ड्राइव में उसे इंस्टॉल कीजिए और बाद में आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर पर डाल सकते हैं। तो जब आप कोई जेन्युइन विंडो खरीदते हैं तो उसके साथ उसकी रजिस्टर्ड की होती है, यानी जब आप उसे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे उस की को डालेंगे आपकी विंडो एक्टिवेट हो जाएगी और उसके सारे फीचर्स अनेबल हो जाएंगे, और वो नीचे लिख देगा कि आपकी विंडो एक जेन्युइन विंडो है और ये इस की मदद से रजिस्टर हो गई है, इसलिए ये एक जेन्युइन विंडो है। पर अगर आपकी विंडो जेन्युइन विंडो नहीं है तो वो नीचे की तरफ आपको वार्निंग देती रहेगी कि देखो तुम्हारी विंडो जेन्युइन नहीं है, इसे जेन्युइन बनाओ। तो इस चक्कर में आप काफी सारे सॉफ्टवेयर्स भी डाउनलोड करते हैं जो काफी क्रैक सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनसे आप पैच करते हैं अपने विंडो को, और जैसे ही आप अपने विंडोज को क्रैक करते हैं उन सॉफ्टवेयर की मदद से, तो वो कह देता है कि ये विंडो जेन्युइन है और आप सभी फीचर्स को यूज करते हैं। यानी आप उस विंडो को क्रैक करते हैं, पैच करते हैं उस क्रैक या फिर पैच वाले सॉफ्टवेयर की मदद से, और आप अपने विंडो को जेन्युइन बना देते हैं यानी उसे एक्टिवेट कर देते हैं। काफी एक्टिवेटर आते हैं, उनकी वजह से एक्टिवेट कर देते हैं यानी अपने विंडो को जैसे कैसे करके जेन्युइन बना लेते हैं। पर जो जेन्युइन विंडो होती है और जो पायरेट विंडो को आपने जेन्युइन बनाया हुआ होता है, उन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस हमें नजर नहीं आता पर इनमें काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। या फिर आप कोई ऐसी विंडो डाउनलोड करेंगे जो पहले से ही क्रैक्ड है या फिर पैच है, जिसमें आपको कोई एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही एक्टिवेट है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई है, इसलिए आपको ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो विंडो पहले से ही क्रैक्ड है। तो सबसे पहला रीजन है वो है सिक्योरिटी का रीजन। मान लीजिए अगर आपने एक पायरेट विंडो को एक्टिवेट किया है, अगर आप उसे एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, आपने कोई क्रैक्ड सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है जो विंडो को क्रैक करेगा, उसे पैच करेगा, उसे एक्टिवेट करेगा, तो वो जो सॉफ्टवेयर हो सकता है वो उसमें काफी सारी फाइल इंस्टॉल करता है, यानी वो जो क्रैक सॉफ्टवेयर होता है वो आपकी विंडो के अंदर काफी ज्यादा फाइल्स को इंस्टॉल करता है, और तब जाके वो आपकी विंडो एक्टिवेट होती है इलीगल तरीके से। तो जो डेवलपर है वो उन फाइल्स के साथ साथ क्या पता उसके अंदर कोई वॉर्म्स, कोई मैलवेयर या फिर कोई ऐसा वायरस छोड़ दे जो उसे एक्टिवेट करने के साथ साथ आपके कंप्यूटर में कहीं चिपकर बैठ जाए, यानी वो काफी वायरस डाल सकता है आपके कंप्यूटर के अंदर, या फिर वो कोई बोटनेट छोड़ सकता है जो आपके कंप्यूटर पर, अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट हो तो आपके कंप्यूटर पर जासूसी कर सकता है, स्पाई कर सकता है, या फिर इसी के साथ साथ वो ऐसी चीजें भी कर सकता है कि अगर आप नेट बैंकिंग कर रहे हैं या फिर अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल भर रहे हैं और अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट है तो आपके सारे पासवर्ड्स देख सकता है, जीमेल के पासवर्ड देख सकता है, और एक बार उसके हाथ पासवर्ड लग गए तो वो मेल्स पढ़ सकता है, यानी काफी कुछ कर सकता है। वो आपके कंप्यूटर को पूरी तरह से स्पाई कर सकता है, देख सकता है। तो पायरेट विंडो का एक ये काफी बड़ा साइड इफेक्ट है कि कोई जो डेवलपर है वो चाहे तो जिसका आपने क्रैक सॉफ्टवेयर यूज किया है या फिर पूरी की पूरी क्रैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया है, तो वो आपके ऊपर पक्का स्पाई कर सकता है अगर वो करना चाहे। अगर उसने उसके अंदर ऐसा कुछ डाला है तो वो काफी कुछ कर सकता है आपकी सिक्योरिटी को लेकर। इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो काफी विंडोज होती हैं जो पायरेट विंडो, जो टाइम के साथ साथ काफी ज्यादा स्लो हो जाती हैं, जिनके अंदर काफी ज्यादा क्रैक होते हैं, पैच होते हैं, उन्हें काफी अलग अलग तरीकों से छेड़ा गया होता है और वो टाइम के साथ साथ काफी ज्यादा स्लो हो जाती हैं, जिससे आपका कंप्यूटर कई बार फ्रीज होने लगेगा। यानी अगर आपने माय कंप्यूटर खोला है या फिर आप कहीं पर कुछ काम कर रहे हैं तो आपका कंप्यूटर फ्रीज हो जाएगा, यानी वही ऐसा का ऐसा बिल्कुल जम जाएगा, रुक जाएगा, या फिर आपका कंप्यूटर काफी बार लैग करेगा, वो रुक रुक के चलेगा, या फिर वो नॉट रिस्पोंडिंग, ठीक से रिस्पोंड नहीं करेगा अलग अलग एप्लीकेशंस को। तो ये काफी सारी दिक्कत बनी रहती है बिल्कुल बेकार पायरेटेड विंडोज के साथ। पर जेन्युइन के केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि आपने उनको पैसे दिए हैं और पैसे देकर वो विंडो खरीदी है, तो वो आपका बेस्ट ही सोचेंगे, उनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं रहती उनकी तरफ से, वो काफी बेस्ट देते हैं अपनी तरफ से। पर पायरेटेड विंडो में इतना नहीं होता, वो काफी लैग करती है, टाइम के साथ साथ स्लो हो जाती है और काफी कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है। तो ये होता है एक बेसिक मेन डिफरेंस एक जेन्युइन विंडो के यूजर में, यानी एक जेन्युइन विंडो में और एक पायरेटेड विंडो में। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई इसे लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि मैं इस पर ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।